विश्व मैत्री मंच दिल्ली इकाई ने दीपावली पर्व और भैया दूज के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मैत्री मंच के दिशा निर्देश और महाराष्ट्र इकाई की अध्यक्षा ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित साहित्यकार आभा दवे की अध्यक्षता में एक ऑडियो काव्य गोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा विश्व मैत्री मंच दिल्ली की अध्यक्षा सुषमा भंडारी और दिल्ली इकाई की मंच संचालिका अर्चना पांड्या ने तैयार की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संतोष श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि के रूप में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित सविता चड्ढा और अध्यक्ष के रूप में आभा दवे ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुग्राम से डॉक्टर मुक्ता ने दीप प्रज्वलित कर की। कवयित्री सरोज गुप्ता ने अपनी सुमधुर सरस्वती वंदना से आयोजन का आगाज करते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस ऑडियो काव्य गोष्ठी में लगभग 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार, अर्चना पांड्या, नीलम दुग्गल, डॉक्टर सरोज गुप्ता, वीणा अग्रवाल, पुष्पा सिन्हा, वंदना रानी दयाल, डॉक्टर भावना शुक्ल, शारदा मित्तल, राधा गोयल, डॉक्टर बीना राघव, अंजू दुआ जैमिनी, डॉक्टर कल्पना पांडे, पूनम गुप्ता, सुषमा भंडारी, शकुंतला मित्तल, सुरेखा जैन, सविता चड्ढा जैसी प्रतिष्ठित साहित्यकारों तथा कवयित्रियों ने अपनी ऊर्जावान उपस्थिति दर्ज की। अपनी काव्य प्रस्तुतियों से सभी कवयित्रियों ने समा बांधने में भरपूर योगदान दिया। आयोजन की मुख्य अतिथि संतोष श्रीवास्तव ने सभी रचनाकारों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि त्यौहार हमें जोड़ते हैं और मौसम के परिवर्तन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा जीवन को दिशा देती है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि विश्व मैत्री मंच दिल्ली इकाई के सभी रचनाकार निरंतर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अध्यक्षा आभा दवे ने सभी रचनाकारों की रचनाओं की सराहना करते हुए आयोजन की सुव्यवस्थित सफलता की सबको बधाई दी। आयोजन का सुचारू सुव्यवस्थित संचालन शिक्षिका और कवयित्री शकुंतला मित्तल ने किया। कवयित्री अर्चना पांड्या ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्षा और सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.